करौली की इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे क्रेशरों से उड़ने वाली धूल के कारण वहां पर रहने वाले काफ़ी लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वहां पर उनको सिलिकोसिस जैसी बीमारी भी हो रही है। उसी के साथ में वहां पर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हम जब शुरुआत में रहते थे तो यहाँ का वातावरण बिल्कुल एकदम स्वच्छ और साफ था, शुद्ध था, परंतु अब जब से यहाँ पर जो क्रेशर लगी हुई है तब से वातावरण एकदम धूलयुक्त हो गया है, वातावरण में प्रदूषण फैल गया एक तरह से। ये कितने दिन पहले लगे क्रेशर? तकरीबन इनको जो लगी है उसके बाद में इनको लगभग 4-5 साल तो हो ही गए। इधर ये रेत उड़े श्वास के संग में कहा है कि श्वास संग में जाए, श्वास लेने में बहुत परेशानी आ रही है। तो ये रेता कितने समय से उड़ता है और आप कितने समय से रहते हो? पूरी रात चला साहब ये। और आप कितने समय से रह रहे हो यहाँ पे? हम तो काफी समय से रह रहे हैं, 30-40 साल पहले। और ये कब से चलने लगा है ये रिको? ये तो अभी चलने लगी है 1-1.5 साल से। किस चीज की टेंशन है आपको? इसके बच्चे बच्चे के पालन की, और अब घर में रिए नहीं, पैसे दिला की खासे लाऊं खासे लगाऊं कैसे न पालू, ऐसे टेंशन रहती है। आपके जब पति बीमार थे 8-10 साल जब रहे थे, तब आपने कितना कर्जा लिया या कैसे उनका किया? कछु कर्जा लिया और कछु मजूरी गुजाती कुमा कलाती बिन में लगा देती, और कछु कर्जा के ले लेकर लगाया मैंने। कितना कर्जा लिया आपने? कर्जा हो कम से कम 2-3 बार। क्या वो चुका गया आपका कर्जा? नहीं, पापा तो कुमा के चुकना पड़ेगा। दुकान चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, आप देखे तो हम सिर्फ यहाँ पैकिंग का माल ही बेच सकते हैं बस। पहले हम यहाँ पर चाय की होटल चलाते थे, चाय नाश्ते की, वो भी मजबूरी में हमने बंद कर दिए। क्यों कर दिए? क्या करें, ग्राहक भी नहीं बैठते यहाँ। अब तक आपने कितने प्रयास किए हैं? प्रयास हम काफ़ी कर चुके, हमने कलेक्टर साहब के नाम भी ज्ञापन दिया है, यहाँ पर रिको अधिकारियों को भी कई बार सूचित किया है, उनसे बोला है, और यहाँ पर जाकर के और इनको भी बोला है कई बार, लेकिन ये लोग संतुष्टिपूर्वक कोई जवाब नहीं देते हैं। रिको अधिकारी ने क्या जवाब दिया आपको? रिको अधिकारी ने ये जवाब दिया था, भाई ऐसा है कि ये रिको इंडस्ट्रीज है, इसमें कारखाने तो चलेंगे ही, लेकिन सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए ना। यहाँ पर अपनी पुश्तैनी जमीन है, हम बहुत पहले से रह रहे हैं, लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से, ये भी सोचना चाहिए। हमारा समुदाय चाहता है कि वहाँ पे जो क्रेशरों से धूल उड़ रही है उसके लिए क्रेशर मालिकों को पाबंद किया जाए, वे पानी का उपयोग करें, जिसके कारण आसपास में रहने वाले लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनसे उनको निजात मिल सके। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।